हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू जीएस महाविद्यालय। आई एम योर एजुकेटर विवापुर बार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लासा निकालने का फर्स्ट मेथड बताया था, गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि। इसकी सेकेंड विधि है भाग विधि, मीन्स डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं भाग विधि में, इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्याओं को अल्प विराम लगाकर पंक्तिबद्ध करते हैं, मतलब कॉमा लगाकर एक लाइन में लिख लेते हैं, तथा बारी बारी से सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग देंगे, दो से भाग देंगे, दो से भाग किसी भी संख्या में चला जाए तो दो से भाग देंगे, अगर नहीं जाता है तो उसके बाद तीन से भाग देंगे, उससे भी नहीं जाता है तो पाँच से देंगे। इस प्रकार से बारी बारी से भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग ना जाए तो जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा है, मान लीजिए सेवन है, उसमें दो का भाग नहीं जाएगा तो सेवन को सेवन ही लिख दिया जाएगा, उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। अगर सेवन में सात में किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा तो उसमें सात से ही भाग जाएगा, तो फिर उसमें सात से भाग देंगे। जब सबका भागफल एक प्राप्त हो जाए, भाग देने के बाद जब नीचे उसमें सबका भागफल एक मिल जाए, तब जितने भी भाजक हैं, मतलब जिन भी नंबर से हमने भाग दिया है, उन सभी का आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो गुणा का गुणनफल आता है वही हमारा बीष्ट लासा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, 200, 250, 250 तथा 300 का लासा भाग विधि द्वारा ज्ञात करो। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉमा लगा के पंक्तिबद्ध एक लाइन में लिख लेंगे, 200, 250, 300, इस तरीके से। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखेंगे दो से भाग चला जाएगा, हाँ दो से भाग तीनों में चला जाएगा तो दो से भाग देंगे। अगर किसी एक संख्या में भी दो से भाग चला जाता तो भी दो से ही भाग देंगे, दो से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, दो एकम दो जीरो जीरो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंचे दस, दो एकम दो, दो पंचे दस, जीरो। फिर इसमें दो से भाग चला जाएगा इसमें और इसमें, तो दो से भाग दिया जाएगा, दो पंचे दस, जीरो। इसमें दो का भाग नहीं जाएगा तो इसको ज्यों का त्यों जैसे का तैसे लिख दिया, इसमें दो सत्ते चौदह, दो पंचे दस। अब केवल इसमें दो का भाग जाएगा, कितना आएगा, दो दूनी चार, दो पंचे दस, 25, 25, 125, 75। अब किसी में भी दो से भाग नहीं जाएगा। अब तीन से देखेंगे, तीन से चला जाएगा, तीन से इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो इसको जैसे का तैसे लिख देंगे, इसमें भी नहीं जाएगा इसको भी लिख दिया, और तीन दूनी छः, तीन पचे पंद्रह। अब किसी में तीन से भी नहीं जाएगा तो किससे देंगे, पाँच से, पचम पच्चीस, पाँच दूनी दस, पचम पच्चीस, पचम पच्चीस, पाँच एकम पाँच, पचम पच्चीस, पाँच एकम पाँच, इसमें पाँच से जाएगा, एक का एक रहेगा, पाँच एकम पाँच, एक। अब यहाँ पर हमें भागफल कितना मिल गया, एक 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 भागफल मिलने के बाद क्या होगा, सभी भाजकों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा, जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, हमारा लासा। तो लासा क्या होगा, लासा इक्वल टू दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 3000, यही हमारा बीष्ट लासा होगा। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि तीन अंकों की संख्या का लासा भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो उसका सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सर्वप्रथम ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका कम से कम एक संख्या या दो संख्या में भाग चला जाए, तो दो से भाग दिया। उसके बाद भाग देने के बाद जो भी भागफल आएगा उसको नीचे लिख देंगे, जिसमें भाग ना जाए उसको जैसे का तैसे लिख देते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, इसमें इसी क्रम को लगातार करते रहेंगे जब तक सह अभाज्य संख्याएं ना आ जाएं। इस प्रकार प्राप्त सभी भाजकों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा अभीष्ट लासा होगा। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, 7, 14, 35, 28 का लासा भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन सबके अभाज्य गुणनखंड, सात के गुणनखंड क्या होंगे, सात में किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा तो सात का ही रहेगा, सात एकम सात, केवल सात। 14 के गुणनखंड क्या होंगे, इसमें दो का भाग चला जाएगा, दो सत्ते चौदह, फिर इसमें सात का भाग जाएगा, सात एकम सात,
सॉरी, इसने सबको क्या करना है, 7, 14, 35, 28 को पंक्तिबद्ध लिखना है। पंक्तिबद्ध लिखने के बाद में 2 से भाग देंगे, 7 में नहीं जाएगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2 7 14 35, 2 का 28 में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 2 का भाग किस में जाएगा, केवल 14 में, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, 2 7 14। अब 3 का भाग किसी में जाएगा, नहीं जाएगा। 5 का 35 में जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 7 35। अब सभी में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। लासा क्या होगा इसका, लासा इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7, इन सब का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 140। ये हमारा अभीष्ट लासा होगा।